नमस्कार, मैं पूजा ऑल्ट न्यूज़ से। पिछले कुछ सालों में ऐसा बार बार देखा जा रहा है कि सोशल मीडिया पे माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ यानी कि अल्पसंख्यक समुदाय को झूठे दावों द्वारा निशाना बनाया गया है। हाल ही में ऑल्ट न्यूज़ ने एक आर्टिकल में 21 ऐसे उदाहरणों को पेश किया था जहाँ पे मुस्लिम और क्रिश्चियन कम्युनिटीज़ पे फर्जी न्यूज़ द्वारा टारगेट किया गया हो। सोशल मीडिया पे अभी और एक ऐसा भड़काऊ दावा वायरल है। काफ़ी लोग ऐसी तस्वीरें शेयर कर रहे हैं जिनमें एक घायल महिला को दिखाया जा रहा है। वो ये तस्वीरें ये कह के शेयर कर रहे हैं कि ये घायल महिला हिंदू कम्युनिटी से है और इन्हें एक मुसलमान लड़के ने चाकू से मारा है। क्योंकि ये तस्वीरें रक्तमय हैं तो हमने इन्हें धुंधला कर दिया है। पर वास्तविकता क्या है? क्या सच में एक हिंदू लड़की पर एक मुसलमान लड़के ने हमला किया? ऑल्ट न्यूज़ ने अपनी तहकीकात में ये पाया कि एक 20 साल की लड़की पर बिहार के गोपालगंज में हमला हुआ था, लेकिन लड़का और लड़की एक ही कम्युनिटी से हैं। सोशल मीडिया पे जो क्लेम्स वायरल है कि हमलावर मुसलमान है, वो सरासर झूठ है। मीडिया आउटलेट प्रभात खबर ने इस घटना पर 11 अक्टूबर को एक रिपोर्ट लिखी थी। इस रिपोर्ट के मुताबिक संदीप गिरी नाम के एक लड़के ने एक लड़की पर हमला किया था जब वो मंदिर से पूजा करके घर लौट रही थी। इस रिपोर्ट के मुताबिक ये घटना गोपालगंज के कटिया नामक जगह में हुई थी। इस न्यूज़ को कंफर्म करने के लिए ऑल्ट न्यूज़ ने गोपालगंज के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट राहुल कुमार से बात की, जिन्होंने हमें यह बताया कि पुलिस ने जिस लड़के को अरेस्ट किया है वो मुसलमान नहीं है और सोशल मीडिया पे इस घटना को सांप्रदायिक रंग यानी कि कम्युनलाइज करने की कोशिश की जा रही है। ऑल्ट न्यूज़ को बिहार क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की वेबसाइट पर लड़की की तरफ से दर्ज की गई FIR की एक कॉपी मिली। इस FIR में लड़की ने ऐसा लिखा है कि मंदिर से घर लौटते वक्त संदीप ने उसकी कलाई पकड़ ली और उसके साथ छेड़छाड़ की। जब लड़की ने भागने की कोशिश की तो संदीप ने चाकू निकालकर उस पर हमला किया। इससे ये पता चलता है कि सोशल मीडिया पे किया गया दावा सरासर गलत है। जब भी आपको सोशल मीडिया पे ऐसे वायरल फोटोज या वीडियोज मिले जिन्हें एक हिंदू मुस्लिम नैरेटिव के साथ शेयर किया गया हो, तो ये ज़रूरी है कि आप इन दावों को विश्वसनीय मीडिया सोर्सेज से क्रॉस चेक करें और अपनी जांच करने के बाद ही इन्हें सोशल मीडिया पर शेयर करें।